आप सभी लोग प्ले स्टोर का तो यूज जरूर करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि प्ले स्टोर के अंदर कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स है, कुछ हिडन फीचर्स है और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अभी भी आप लोगों को नहीं पता। अब आप लोग बोलोगे यार ये कौन सी चीजें जो हमें नहीं पता, तो इसके लिए मैं हूं ना, आप लोगों ने मेरे चैनल किस लिए सब्सक्राइब कर रखा है। तो यस, आज इस वीडियो में मैं आपको प्ले स्टोर से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हैक्स फीचर्स हिडन सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए और ये आपके बड़े काम की है। नंबर वन, आप सभी लोगों को पता है प्ले स्टोर पे कई बार कुछ ऐसे एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं जिन्हें डाउनलोड करने के बाद में हमें पता चलता है कि अरे यार ये एप्लीकेशन तो हमारे काम की नहीं है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ऐप को बिना इंस्टॉल करे उसे यूज कर सके, टेस्ट कर सके और उसके बाद जब हमारा मन बनेगा कि हाँ ऐप अच्छा है तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है? जी हाँ दोस्तों, एक तरीका है जिसका नाम है Google Play Instant। वेल दोस्तों, काफी टाइम पहले ये फीचर आ गया था लेकिन अभी भी इस फीचर के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता क्योंकि दोस्तों ये हिडन है। इसे इनेबल कैसे करें, इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद वहां पर आप जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों ऑप्शन मिल जाएगा Google Instant Play का और यहाँ पर आके दोस्तों आपको सिंपली इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है यानी कि एक्टिवेट कर देना है। बस इसके बाद अपने फोन को दोस्तों एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, बस हो गया काम सिंपल। उसके बाद प्ले स्टोर को आपको ओपन करना है और जिस भी एप्लीकेशन को जिस भी गेम को आपको डाउनलोड करना है उसे ओपन कर लीजिए। वहां पर इंस्टॉल के साइड में आपको ट्राई नाउ का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, तो जैसे आप ट्राई नाउ पे क्लिक करोगे तो वहां पर आप उस गेम को उस एप्लीकेशन को बिना इंस्टॉल करे यूज कर सकते हो, उस गेम को बिना इंस्टॉल करे टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो टिप है ये बड़े ही काम की और आपको पता होना चाहिए प्ले स्टोर के बारे में। आपने नोटिस किया होगा कई बार कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं, कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो प्ले स्टोर में तो अवेलेबल होते हैं लेकिन वो उस कंट्री में या फिर जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं फिर जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो उस कंट्री के लिए वो अवेलेबल नहीं होता और वहां पर एक मैसेज शो करके लिखा हुआ शो होता है कि दिस ऐप इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। तो कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उस गेम को डाउनलोड कर सके प्ले स्टोर से? जी हां दोस्तों, बिल्कुल इसके लिए एक तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके दोस्तों आपको VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को डाउनलोड करना होगा एप्लीकेशन। अब प्ले स्टोर पे जाके सर्च करोगे फ्री VPN आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप कोई भी यूज कर सकते हो। आप दोस्तों जो VPN है उसमें कंट्री को IP एड्रेस को बदल दीजिए कोई दूसरे कंट्री का, जिस भी कंट्री में वो ऐप अवेलेबल है उस कंट्री के IP एड्रेस को सर्वर को सिलेक्ट कर लो और अपने फोन को कनेक्ट कर लो बस। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फोन के सेटिंग्स में जाना है, एप्स में जाना है और वहां पे एप्स में जाने के बाद आपको प्ले स्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है और वहां पर आपको क्लियर कैश और क्लियर डेटा को यहां पर जो भी डेटा पड़ा उसे सबको क्लियर कर देना और इसे फोर्स स्टॉप कर देना है बस। इसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों, जैसे आपका फोन ऑन होगा तो आपका फोन चेक कर लेना कि VPN से कनेक्टेड है या नहीं, कनेक्टेड जरूर होना चाहिए। उसके बाद आपको दोस्तों प्ले स्टोर में जाना है और जो भी ऐप आप डाउनलोड करना चाह रहे थे जो अवेलेबल नहीं था उसे आप सर्च करोगे तो वहां पर दोस्तों वो जो ऐप है वो शो हो जाएगा और आप उसे इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर दोस्तों ये चीज काम ना करें तो एक नया जीमेल आईडी अकाउंट दोस्तों वो क्रिएट कर लेना, वहां पर जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो जो कंट्री है वो उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेना जिस भी कंट्री में वो एप्लीकेशन है और सारा सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है तो आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाओगे। नेक्स्ट टिप की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों को पता है आजकल के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे बच्चे उन सभी को मोबाइल फोन चाहिए होता है गेम खेलने के लिए। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कई बार दोस्तों प्ले स्टोर में कुछ ऐसे ऐप्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे एड्स आ जाते हैं जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होते, तो ऐसे में आप उन्हें कैसे रोक सकते हो? वेल, यहां पर एक ऑप्शन है जिसका नाम है दोस्तों पेरेंट्स कंट्रोल। अगर आपने दोस्तों जो रेटिंग्स है वो 18 प्लस सेट कर दिया है तो जो बच्चा है दोस्तों अगर किसी भी तरह के ऐप को सर्च करता है तो अगर वो ऐप 18 प्लस है तो वो ऐप वहां पर शो नहीं करेगा। तो इसके लिए प्ले स्टोर को ओपन करो, यहां पर क्लिक करो, उसके बाद आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करो, वहां पर आपको एक फैमिली का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करना, उस पर क्लिक करने का वहां पर आपको पेरेंट्स कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करना और जैसे आप ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको ऊपर के साइड एक बटन दिखेगा इसे इनेबल कर देना। के बाद यहां पर आप जो भी पिन सेट करना चाहते हैं, पासवर्ड सेट करना चाहते हैं वो सेट कर लीजिए, लेकिन ध्यान रहे ये जो पिन है आपके बच्चे को ना पता हो वरना आपको पता है आजकल के बच्चे कैसे होते हैं। उसके बाद आपको यहां पर आके इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहां पर जो भी रेटिंग्स है वो आप सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है या 18 प्लस है तो 18 प्लस आप सेट कर सकते हो रेटिंग्स, या फिर आपका बच्चा 6-7 साल का है तो यहां पर आप 7 प्लस जो रेटिंग्स है वो यहां पर सेव कर सकते हैं। ये दोस्तों पेरेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल फीचर है और बच्चों के लिए इसे इनेबल जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट, आप सभी लोगों को पता है आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बहुत तेज हो रहे हैं। वेल, आप सभी लोग जानते हैं जब पबजी मोबाइल गेम इंडिया में आया था ये कितना पॉपुलर हुआ था और इसकी डिमांड कितनी ज्यादा थी और इसका एडिक्शन बच्चों में कितना ज्यादा लग गया था। और इसी के चलते दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने अपने मॉम डैड के क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को यूज करके इन गेम्स में हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए और ऐसे में इन्हें रोका कैसे जा सकता है? वेल, पेरेंट्स के लिए यहां पर एक टिप है, बहुत ही सिंपल सा टिप है। यहां पर आप अपने बच्चों को ये सारे गेम्स में पैसे खर्च करने से रोक सकते हैं और प्ले स्टोर में दोस्तों ये एक ऑप्शन है, ये एक फीचर है जो कि हिडन है और बहुत सारे लोगों
लोगों को नहीं पता। तो उस फीचर का नाम है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। इसकी मदद से आप अपने बच्चों को जो भी प्ले स्टोर में जो भी एप्स पे कोई पैसा खर्च करते तो उन सभी को आप रोक सकते हो। तो आपको ये करने के लिए सिंपली प्ले स्टोर आपको ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, सेटिंग्स पे जाना है, वहां पर आपको दोस्तों मिल जाएगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। लेकिन ये जो ऑप्शन है दोस्तों आपके फोन में तभी शो होगा जब आपके फोन में दोस्तों जो फिंगरप्रिंट है वो सेट हुआ पड़ा हो या फिर फेस अनलॉक या फिर कोई भी बायोमेट्रिक यहाँ पर ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है, तभी ये ऑप्शन आपको शो करेगा। तो इसे आपको इनेबल कर देना, उसके बाद यहाँ पर अपने जीमेल आईडी के पासवर्ड को सेट करना है। तो उसके बाद आपके प्ले स्टोर में जो भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है इन ऐप परचेज के लिए फिर प्ले स्टोर ऐप परचेज के लिए वो सेट हो जाएगा। तो जैसे आप इसे इनेबल कर दोगे उसके बाद दोस्तों बिना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के कोई भी प्ले स्टोर से कुछ भी चीज बाय नहीं कर सकता बिना आपके परमिशन के। नेक्स्ट छोटा सा टिप है लेकिन बड़ा ही यूजफुल है। आपने देखा होगा प्ले स्टोर दोस्तों कई बार आपको नोटिफिकेशन भेजता रहता है कि ये ऐप को अपडेट करने की जरूरत है, वो ऐप को अपडेट करने की जरूरत है, और कई बार दोस्तों ये अननोइंग होता है। तो यहां पर आप सिंपली जो भी नोटिफिकेशन आता है उसे आप बंद कर सकते हो। प्ले स्टोर की नोटिफिकेशन को बंद करने के लिए सिंपली प्ले स्टोर को ओपन करें, यहां पर क्लिक करें, उसका सेटिंग्स पे क्लिक करें, वहां पर आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें, उसके बाद यहां पर अनटिक कर दें, उसके बाद आपको दोस्तों किसी भी तरह की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट वो है दोस्तों वेब प्ले स्टोर। क्या आपको पता है कि आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर से ही आप अपने फोन में डायरेक्टली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपली दोस्तों अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में जाओ, वहां पे सर्च करो गूगल प्ले स्टोर और जो भी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है उसे सर्च करो, फिर इंस्टॉल पे क्लिक करो, उसके बाद जो आपके फोन में जीमेल आईडी लॉगिन है सेम उसी आईडी से यहां पर लॉगिन कर लीजिए और आपके फोन का मॉडल वहां पे शो हो जाएगा, और उस पर क्लिक करने के बाद आप ओके या फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर लोगे तो आपके फोन में दोस्तों वो जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब बिना प्ले स्टोर के आप डायरेक्टली अपने वेब स्टोर से ही दोस्तों अपने कंप्यूटर के ब्राउजर से ही डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को अपने फोन में। ऐसे दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी? अच्छी इन्फॉर्मेटिव है? वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, और मिलता हूं मैं आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।